हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी टाटा पावर से रिलेटेड, उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी बेहतरीन आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि आपको एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है। तो आइए वीडियो की तरफ, दूसरे आज और अब दूसरे शेयर से रिलेटेड हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं, कैडिला हेल्थ केयर, और क्यों चूज़ किया है आपको बताऊंगा। और मैंने आपको जिस जिस बेस पे मैंने दूसरी कंपनीज के शेयर चूज़ किए थे ना, वो शेयर भाग चुके हैं, और इस शेयर के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। उसी बेस पर मैं आपको दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ, और ये शेयर फिर भागता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल आपको रहेगी और अच्छा खासा पैसा बना के शायद देती हुई नज़र आएगी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि डिस्क्रिप्शन में नीचे दो लिंक और दे रखे हैं, एक फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एंजल ब्रोकिंग के साथ फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। बहुत सारे इस अकाउंट्स के फ़ायदे हैं। और अगर यहाँ पर आप दूसरा लिंक देख रहे हैं, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जाके यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, और हम एक पुण्य काम, एक मंदिर बनने में मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। तो कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड है क्या, उसके रिलेटेड भी बातें करेंगे, उसकी वेबसाइट पर जाके उसके फंडामेंटल चेक करके। बट अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए 450 रुपये पर ये शेयर चल रहा है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो लगभग 432 रुपीज़ पर ये शेयर आया था, गिर गिर के। कहाँ से गिर के, तो अगर बात कर रहे हैं तो लगभग 500 रुपये से ये शेयर गिरा था, और गिर गिर के ये शेयर आपको यहाँ पर आता हुआ नज़र आया था। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 10% की आपको गिरावट हुई थी। और यहाँ पर अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर, नो डाउट। बट एक कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हर्डल्स है, हर्डल्स मतलब जो कठिनाइयाँ है, जो यहाँ पर ये शेयर गिर भागता है, तो देखिए भागने का आप पर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो भागा है, ओके, कंपनी रुकी नहीं है। बट गिरना अगर देखे तो यहाँ से यहाँ तक गिरा है, फिर यहाँ से यहाँ गिरा है, फिर यहाँ से नीचे गिरा है, फिर यहाँ से गिरा है। तो ये जो गिरावट है ना, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये गिरावट काफ़ी बड़ी गिरावट है। अगर बात की जाए 25-25-30% की गिरावट है, जो अगर आप इस पे इस तरीके के शेयर इन्वेस्टर है कि आप इस तरीके की 50-50-60% की गिरावट को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये शेयर आपके लिए बनाए और आपको बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाता हुआ ये देगा। अगर क्योंकि अगर हम यहाँ पर से बात करें इस शेयर की, ओके, तो ये यहाँ पर 7-8 रुपये पे हुआ करता था, लगभग 5500-5600% के रिटर्न इस शेयर ने दिए हैं आपको बना के। बट ऐसा ही कुछ नहीं है, इसके अलावा बात की जाए डिविडेंड, तो हर साल कंपनी डिविडेंड देती हुई नज़र आ रही है, ओके। एज वेल एज़ बात की जाए बोनस, कंपनी 2 बार 2006-10 में बोनस भी दे चुकी है। स्प्लिट की बात की जाए, 1 बार 2015 में स्प्लिट हो चुका है, राइट इशू अभी तक कंपनी का आया नहीं है। और अगर बात करें 52 वीक लो की, तो 202 रुपये का शेयर 13 मार्च को था, और 509 रुपये का 15 जैन को देखता हुआ नज़र आया, और लगभग 37% की डिलीवरीज यहाँ उठाती हुई नज़र आई है, और कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, ओके, आपको कंपनी प्रॉफिट होती हुई नज़र आई देती हुई नज़र आएगी। और प्रमोटर्स के बाद बहुत अच्छी होल्डिंग है 74.88% की, बाकी FIIs, DIIs, HNIIs और पब्लिक के पास है। अगर यहाँ पर हम बात करें प्रमोटर्स की कितने शेयर प्लेजिंग कर रखी है, तो कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये कंपनी के बारे में, तो देखिए जायडस कैडिला के नाम से कंपनी जानी जाती है, ओके, आपने इसके ब्रांड्स भी देखे होंगे। अगर बात की जाए तो कंपनी देखिए यहाँ पर इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर काफ़ी जगह पर इनकी बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, R&D का है, जॉइंट वेंचर ये काफ़ी कंपनी के साथ करते हैं। बात करें तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, बायोलॉजिकल NSC रिसर्च ये कंपनी काम करती है, तो काफ़ी वास्ट इनका ये सब चीज़ आपको नज़र आएगी। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं नेट प्रॉफिट अभी Q3 में जो दिसंबर में होता हुआ नज़र आया था, कितना होता, 41% यहाँ पर प्रॉफिट अप होता हुआ नज़र आया था। अगर यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं कुछ, तो देखिए ये कोविड की वैक्सीन, ओके, बना रहे हैं, इनके पास ऑर्डर और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, ओके। अगर इनकी बात करें कौन सी ये वैक्सीन बनाते हैं, तो आपने भारती, एक बार अगर यहाँ पर देख लेते हैं, तो कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन बना रही है ना ये कंपनी, तो यही कंपनी वैक्सीन बना रही है। इंडिया में 2 कंपनी बना रही है, एक तो कोवैक्सीन के नाम से आपको पता है, एक भारती के नाम से है,
ओके, मेरे माइंड से नाम के फिसल गया है। ओके, तो दो ही कंपनी, एक तो कैडिला हेल्थ केयर बना रही है, एज वेल एज बात की जाए तो एक और कंपनी है जो अपनी एस्ट्राजेनिका है वो कंपनी। तो ये दोनों कंपनी बना रही है और उनके पास जो ऑर्डर आ रहे हैं ना, जायडस कैडिला हैज़ मोर ऑर्डर्स फॉर COVID-19 वैक्सीन देन इट कैन मेक। तो मतलब जितने इनकी कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा तो ये इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। प्लान टू प्रोड्यूस 120 मिलियन डोजेज ऑफ जायकोव कोविड डी, ओके, कोविशील्ड के नाम से इनकी वैक्सीन है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस चीज़ को आप देखिए, ये कंपनी इसमें भी माहिर है और इसमें काम कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत बायोटेक, ओके, मैं भूल रहा था नाम, तो भारत बायोटेक इस कम ये नाम आ रहा है, कोविशील्ड उनकी है शायद एस्ट्राजेन वालों की। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिजल्ट देती हुई आगे नज़र आएगी। अगर बात करें प्रॉफिट, देखिए ग्रो होता हुआ नज़र आया, लगभग 527 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है इन्हें। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये केवल की वैक्सीन से रिलेटेड ही नहीं है, एज वेल एज बात करें तो देखिए यूएस में ब्लड प्रेशर की को नोट भी मिल गया, मतलब यूएस जो ये यूएस से भी इन्हें सर्टिफिकेशन मिल गया ब्लड प्रेशर ड्रग्स, मतलब ये अपना बेच सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में ये कंपनी काम करती है, आपको जैसे कि पता ही है दवाइयों से रिलेटेड ये कंपनी है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। और अगर बात की जाए मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप काफ़ी बेहतरीन है, लगभग 45,500 करोड़ का, ओके, यहाँ पर मार्केट कैप नज़र आ रहा है। आरओसी 11 है और पी रेशो 22 के पी पे आपको केवल ये कंपनी मिलती हुई नज़र आ रही है। कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। अगर बात की जाए सेल्स की, तो सेल्स देखें यहाँ पर बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे, लगभग दिसंबर में 3796 करोड़ रुपए के सेल्स हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, तो अभी तक के जितने भी साल हुए हैं, ओके, अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्च 2018 में 591 करोड़ के प्रॉफिट था, उसके बाद अभी की डेट में 527 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता हुआ हमें नज़र आया है। अगर बात की जाए यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो देखिए सेल्स अभी तक पिछले 12 महीने में 15,000 करोड़ के सेल्स होते हुए नज़र आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए, तो नेट प्रॉफिट हर एक साल में सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट 1846 करोड़ रुपए का होता हुआ नज़र आया, जो कि बस एक बार आता हुआ नज़र आया था, उसके बाद अभी हमें एक और दो बार होता हुआ नज़र आया था। इसके बाद इस साल का अभी 12 महीने का जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं, 1846 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। अगर बात की जाए यहाँ रिजर्व्स की, कंपनी का पास बेहतरीन रिजर्व्स है, 11,550 करोड़ के रिजर्व्स। बोरिंग की बात करें, तो 5,644 करोड़ की बोरिंग है, बट अगर आप देखेंगे मार्च और सेप्टेम्बर में वो घटती हुई नज़र आई है, आप लगभग लगभग कितना, तो लगभग 22 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर बोरिंग कम होती हुई हमें नज़र आई है। अगर बात करें टोटल एसेट की, वो भी बढ़ते हुए नज़र आए हैं। अगर कैश फ्लो की बात करें, तो 2500 करोड़ रुपए का इनके पास कैश फ्लो है। अगर बात करें यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ काफ़ी बेहतरीन है। FIIs देखिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, 5.24 कर ली है। TIS की बात करें तो 11.72, ओके, इन्होंने थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी कम करी है जो कि FIIs ने ले ली है। गवर्नमेंट के पास भी थोड़ी सी हिस्सेदारी है, और पर पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक के पास लगभग 8% की हिस्सेदारी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मतलब 92% की जो हिस्सेदारी है, ओके, वो सारी की सारी या तो HNIs के पास है, DIIs के पास है, FIIs के पास है, एज वेल एज प्रोमोटर्स के पास है। तो थोड़ी सी हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, तो ऐसी कंपनी में हमेशा हमें पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए और बाय ऑन डिप्स करके थोड़ा सा शेयर खरीदते रहना चाहिए। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। सॉरी, तो मेन पॉइंट क्या है, देखिए मेन पॉइंट ये है, ये जो अभी शेयर है, ओके, लगभग कितने 450 के आसपास चल रहा है, और इसके RSI की बात करें तो 46 का RSI, और यहाँ पर इसने दिया है बाइंग सिग्नल। ओके, कब दिया है, लगभग 440 के जब ये शेयर आया था, यहाँ पर इसने बाइंग सिग्नल दिया था 36 के RSI पे। तो आपको बताना पर चाहता हूँ कि जब भी मैंने आपको ये इससे रिलेटेड बताया कि जब भी इसने इस तरीके का बाइंग सिग्नल दिया है ना, तो तब तब आपको ओ, ओ, प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। अगर ये कैडिला की बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर भी खरीदते हैं, 10 रुपये ऊपर गया है, तो आगे चल के ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, और ये 500 तक इजीली जा सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पर दूसरे शेयर की, अगर मैं आपको दूसरे शेयर भी बताऊँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, ब्रिटानिया से रिलेटेड एक बात बताई थी। देखिए ब्रिटानिया में भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक बैंक सिग्नल आया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों, इस क्यों बताया था, यहाँ पर RSI की बेस पे बताया था, क्योंकि 29 का RSI चल रहा था, तो यहाँ पर मैंने आपको खरीदने के लिए बोला था, अच्छा खासा अभी भाग चुका है। अगर बात की जाए यहाँ पर मैंने आपको डिविस लैब भी बताया था,
ओके, तो डिविस लैब आप देख सकते हैं। डिविस लैब में यहाँ पर बाइंग सिग्नल आया था, यहाँ पर एक बार मैं निकल चुका था, फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था बाय ऑन डिप्स करते रहिएगा, तो यहाँ पर देखिए दोबारा इस लेवल पर आ गया था और आपको अच्छा खासा खरीदने का मौका मिला था। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आज की डेट में यहाँ पर है। और इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊँ इपका लेबोरेटरी की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बाइंग सिग्नल आया था, इसके बाद नीचे आया था, और अभी देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि और नीचे आ रहा है, तो आप खरीदते रहिए, बाय ऑन डिप्स करते रहिए, ये शेयर आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये उसी लेवल पर कंपनी अब दोबारा जाती हुई नज़र आ रही है। तो अभी जो शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो वो है कौन सा, कैडिला हेल्थ केयर। तो देखिए यहाँ पर बाइंग सिग्नल आया है और ये शेयर 500 की तरफ को अब बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो अगर वीडियो आप इसमें कोई भी पोजिशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर अपनी हेल्प ले लीजिए, एज वेल एज बात करें तो आप खुद की भी स्टडी करिएगा। ओके, स्टडी करेंगे जितनी उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और कोई भी पोजीशन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।